युद्ध में तब तक डटे रहना है जब तक सफलता न मिल जाए। राजेश त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको बता दें, आज भाजपा अपनी मजबूत स्थिति में है और देश में अपनी मजबूत छवि बनाई हुई है, तो इसके पीछे हर उस कार्यकर्ता की अहम भूमिका है जो दिन रात पार्टी के निर्देश का अक्षरशः पालन करते आ रहे हैं। उक्त बातें चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, भाजपा के स्नातक प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के लिए बढ़लगंज के शिवाय मैरिज हॉल में आयोजित स्नातक मतदाता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे। त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान राजनीति में अपनी बात को बेधड़क बोल पाना सभा के लिए मुश्किल है, मगर देवेंद्र प्रताप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समाज के लिए बचाए रखना जरूरी है। जिस प्रकार हम सभी को तेवर वाले पीएम और सीएम के मिले हुए हैं, जिनके तेवर के आगे शक्तिशाली देश भी लोहा मान रहे हैं, उसी प्रकार देवेंद्र प्रताप सिंह जैसे प्रत्याशी के सामने अन्य लोग लोहा मान रहे। बस आप सभी को जागरूक रहने की जरूरत है, जीत तो सुनिश्चित है। आज भाजपा के हर सिपाही को जब तक युद्ध में डटे रहने की जरूरत है जब तक कि युद्ध में सफलता न मिल जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख राम आशीष राय, संचालन अखंड प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर चुनाव प्रभारी अनिल कुमार भट्ट, कमलेश पटेल, स्वतंत्र सिंह, महेश कुमार, अष्टभुजा सिंह, चंदन पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक जी, आज स्नातक मतदाता सम्मेलन के माध्यम से क्या निर्णय निकल कर आया? भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर विधान परिषद सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को गोरखपुर फैजाबाद अयोध्या स्नातक क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर ये टास्क मिला है कि पिछली बार जो जितने अधिक मतों से हम लोगों ने देवेंद्र प्रताप सिंह जी को जिता करके भेजा था विधान परिषद में, उससे अधिक मतों से हम लोग इस बार जिता करके भेजें। उसी के तहत आज बढ़लगंज ब्लॉक के सभी स्नातक मतदाताओं का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी बढ़लगंज और नारायणपुर मंडल ने मिलकर कराया है और हम लोगों ने इसमें अपील किया है कि एक एक हमारा जो कार्यकर्ता है वो एक कार्यकर्ता कम से कम 20 मतदाताओं से स्वयं संपर्क करेगा। प्रत्येक दशा में चुनाव के पहले तक हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदाता सम्मानित मतदाता से संपर्क कर लेंगे और अपील करेंगे श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को जिताने के लिए। आज उसी के तहत ये सम्मेलन यहाँ बुलाया गया था। हम लोगों ने सबसे अपील की, जो उत्साह है उसको उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि देवेंद्र प्रताप सिंह पिछले वाली जीत का रिकॉर्ड भी स्वयं तोड़ेंगे और फिर भी हम लोग जब तक देवेंद्र प्रताप सिंह जी को फिर विधान परिषद में नहीं भेज लेंगे तब तक भाजपा का कोई एक एक कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। राजनीति की शुरुआत से ही आपको एक लाइन के आगे एक लंबी लकीर खींचने का एक श्रेय मिल सक गया है, चिल्लू पार में भी ये हुआ इस बार। क्या लग रहा है कि जो पिछली बार की लाइन थी वो लंबी लकीर के रूप में एक बार अधिक होगी? राजेश त्रिपाठी ने चिल्लू पार में जो भी लाइन खींची उस बड़ी लाइन उस लाइन को और बड़ी बनाने में देवेंद्र प्रताप सिंह की भूमिका हमेशा नंबर वन रही है। तो जब देवेंद्र प्रताप सिंह एक बड़ी लाइन खींचने जा रहे हैं तो उनका छोटा भाई पीछे कैसे रहेगा, इसलिए देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो जीत की लाइन खींची थी हम दोनों भाई मिलकर के उस लाइन को एक बार फिर बड़ी विजय की तरफ ले चलेंगे।